अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं पाक एंजॉयमेंट। दोस्तों आज फिर एक इंतहा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको न्यू ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम की कास्ट के रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में बताऊंगी। ये ड्रामा रोजाना 9 बजे जियो टीवी पर नशर किया जाता है। इस ड्रामे में काम करने वाले अदाकारों के रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में जानने के लिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से कबल हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। शुक्रिया जी। तो नाजरीन हम बात कर रहे थे न्यू ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के कास्ट के रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में। तो कब बात करते हैं काफ़ी अर्से से टीवी स्क्रीन पर काम करने वाली इरम अख्तर की। इनके हस्बैंड का नाम अख्तर बिरग्रामी है जिनका ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से नहीं है और इनके 2 खूबसूरत से बेटे हैं। हम इन्हें पाकिस्तान के बेशुमार नामवर ड्रामाज में काम करते देख चुके हैं और इस ड्रामा में भी एक्टिंग करती हुई दिखाई देंगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की नामवर अदाकारा फजीला काजी की। ये टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और इनके हस्बैंड का नाम कैसर हा निजामानी है जिनका ताल्लुक शोबिज इंडस्ट्री से है। इनके 2 खूबसूरत से बेटे हैं जिनका ताल्लुक शोबिज इंडस्ट्री से नहीं है। हम इन्हें पाकिस्तान के कई नामवर ड्रामाज में काम करते देख चुके हैं और अब इस ड्रामे में भी अपनी एक्टिंग से खूब नाम कमाएंगी। अब बात करते हैं हैंडसम अदाकार आगा मुस्तफ़ा हसन की। ये एक टैलेंटेड एक्टर और मॉडल हैं और ये अब तक सिंगल हैं। हम इन्हें पाकिस्तान के नामवर ड्रामा तेरे बिन में एक्टिंग करते देख चुके हैं। इस ड्रामा में इनकी शानदार एक्टिंग को बेहद पसंद किया गया और अब इस ड्रामा में भी एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं नामवर अदाकार आयशा गुल की। ये एक टैलेंटेड एक्ट्रेस और मॉडल हैं और इनकी मंगनी हो चुकी है और इनके फियांसी का नाम अली सईद है जिनका ताल्लुक शोबिज इंडस्ट्री से नहीं है। हम इन्हें पाकिस्तान के बेशुमार नामवर ड्रामाज में काम करते देख चुके हैं, अब इस ड्रामा में भी एक्टिंग करती हुई दिखाई देंगी। अब बात करते हैं एक और खूबसूरत अदाकारा सुखैना खान की। ये एक टैलेंटेड एक्ट्रेस और मॉडल हैं और इनकी भी मंगनी हो चुकी है। इनके फियांसी का नाम बिलाल सिद्दीकी है जिनका ताल्लुक शोबिज इंडस्ट्री से नहीं है। हम इन्हें पाकिस्तान के कई नामवर ड्रामाज में काम करते देख चुके हैं। इन ड्रामाज में इनकी शानदार एक्टिंग को बेहद पसंद किया गया और अब ये इस ड्रामे में भी काम करती हुई नजर आएंगी। जी तो नाजरीन अब बात करते हैं हैंडसम अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर की। ये एक टैलेंटेड एक्टर और मॉडल हैं और ये अब तक सिंगल हैं। हम इन्हें पाकिस्तान के नामवर ड्रामा सियानी में काम करता देख चुके हैं। इस ड्रामे में इनकी शानदार एक्टिंग को बेहद पसंद किया गया और अब ये इस ड्रामा में भी काम करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं खूबसूरत अदाकारा हिबा अजीज़ की। ये एक टैलेंटेड एक्ट्रेस और मॉडल हैं और ये अब तक सिंगल हैं। हम इन्हें पाकिस्तान के कई ड्रामाज में काम करते देख चुके हैं। रिसेंट ड्रामा कलंदर में इनकी शानदार एक्टिंग को बेहद पसंद किया गया और अब इस ड्रामा में भी एक्टिंग करती हुई दिखाई देंगी। अब बात करते हैं एक और खूबसूरत अदाकारा अनमोल बलोच की। ये एक टैलेंटेड एक्ट्रेस और मॉडल हैं और ये अब तक सिंगल हैं। हम इन्हें पाकिस्तान के रिसेंट ड्रामा सियानी में एक्टिंग करता देख चुके हैं। इस ड्रामे में इनकी शानदार एक्टिंग को बेहद पसंद किया गया और अभी इस ड्रामे में भी एक्टिंग करती हुई नजर आएंगी। अब बात करते हैं खूबसूरत अदाकार हमजा सुहेल की। ये एक टैलेंटेड एक्टर और मॉडल हैं और ये अब तक सिंगल हैं। हम इन्हें पाकिस्तान के कई नामवर ड्रामाज में काम करते देख चुके हैं और अभी इस ड्रामे में भी एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे।